दोस्तों, मैं एक बंधुआ मजदूरी की घटना बारे तुम्हें शेयर करना चाहना। लुधियाना एक इंडस्ट्रियल सिटी है। मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता, लेकिन कहा जाता कि लगभग 20 लाख मजदूर इतने काम करते। हो सकता मेरी फिगर जी है नेड़े तेड़े भी ना टुकती हो, लेकिन जो 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 मैं गल सुन अंकड़े की ने सैपरेट इशू। और समस्या जी मजदूर की है ये बहुत ही गंभीर है। उन्होंने मनुखी अधिकार बिल्कुल हनन किए जा रहे हैं, खास करके जेडे यूपी बिहार तो लोग आए हुए हैं। उन्होंने जी जिंदगी है वो बहुत ही बदतर है, नाजक है, इन्नी इनह्यूमैनिटी तरीके ना जी रहे हैं। लेकिन गुरुआ की धरती है पंजाब और इतने हमेशा सरपंच के भले की गल हुई है, पर जड़ा जड़ा आया इतने वह आओ भगत की है। चलो खैर, सब तो बड़ी समस्या यह है कि जेड़े अब गवर्नमेंट कहती है जी स्वच्छ अभियान चलाया होया जी, सफाई का चलाया है, मोदी साहब पता नहीं की तमाचे करी जा रहे हैं। लेकिन हम मैं पंजाब की गल करा, पंजाब लुधियाने के पता नहीं किन्ने को अप्रोक्सीमेटली 20,000 है या 10,000 है या 5,000 किन्ने है, लेकिन 5,000 तो घट तो नहीं होंगे। एक वेड़े बने हुए हैं, वेड़िया के अगर जाके देखो कि उत्थे मैं नहीं समझता कि उत्थे किसी जानवर के रहन वास्ते भी जगह काबू है। बच्चे ने छोटे छोटे पानी का कोई प्रबंध नहीं है, उत्थे सीवरेज का कोई प्रबंध नहीं है, जिहड़ियां कैमिकल जिहड़ियां ने वो फैक्ट्रियां दे नेड़े नेड़े वेड़े भी बने हुए ने, उत्थों कैमिकल विच भी लंघदा हैगा। मतलब तुसी ये कह सकते हो कि एक हैल वाला काम है, एक जिंदगी जी बहुत ही बदतर है। और मैं तो हैरान हाँ इस कारपोरेशन के उत्ते ये लोग जिहड़े है, कारपोरेशन जिहड़ी इन्हां लोकां नूं लाइसेंस किस तरीके नाल दे दिंदी है, किस तरीके दे नाल ये बंदे इस तरीके नाल एस्टैबलिश कर लेंदे आ और किस तरीके नाल ये अगे देई जांदे आ, और उत्थे जो कुछ हुंदा उन्होंने अगों बंदे रखे हुए ने ठेकेदार टाइप। होर भी समस्यावां ने कि इन्हां नूं एक तो दूजे दर्जे दे शहरी समझिया जांदा। दूजी जिहड़ी मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि इत्थे लेबर नूं एक जबरदस्ती और मिनिमम वेजिस तो बहुत घट रेटा के काम करते, एक माफिया बने हुए ने कोई ब्याज लैण वाले जिहड़े ने वो मतलब उस तरीके दे नाल उन्होंने बाउंड किए हुए ने लोगों नूं, उन्हां दे अपनी मर्जी दे नाल तुरंत अपनी मर्जी नाल काम करना, उन्हां दी मतलब आजादी जी काम करने की बिल्कुल ही उन्होंने डैमेज की। एक अज की घटना उसदे विच मैं ये कहूँगा कि प्रशासन को बहुत जी हैगी है ये जोर देना चाहिए, खास करके जेडे साडे मेरे दोस्त मुलाजम ने इनका मतलब इस काम के एक वधिया रोल नहीं है। हुण मसला अज की घटना हैगी है, ये मजदूर है, इहदा नाम मुहम्मद साहिब है। ये कल मेरे को आया, कहिंदा जी गल ये है कि मैनू मेरे रेट्स के 50% रेट दी जिहड़ा वो भी मेरा मालक है उहदा नाम हैगा बबलू ते उर्फ की जुबेर, वो मेरे को धक्के दे नाल काम करवाउणा चाहुंदा ते 3600 रुपया मेरा उहदा मेरे वाल बैलेंस है, पर मैं काम नहीं करना चाहुंदा, मैं 3600 दे विच ही मतलब
ਬੌਂਡ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਮੈਂ 3600 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਣੇ ਬਣ ਅੱਬਲ ਅਤੇ ਬੌਂਡਿੰਗ ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਦੇ ਦੇਣ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣੇ ਆ ਅਤੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ ये सुबह जो है ना बबलू दो बंदे भेजा था इसको उठाने के लिए इसके कमरे पे जहाँ ये रहता है इसने मेरे को फ़ोन किया कि मास्टर जी आ जाओ ये मेरे को उठाने आए हैं तो मैं जो है गया इसके कमरे पे तो दो बंदे इसके खड़े थे वहाँ तो मैं बोला उस बंदे को कि तुम जाओ मैं इसको लेके उसके फैक्ट्री में आता हूँ बात करता हूँ क्या बात है मैं लेके गया तो उसने इसको पहले माँ बहन सबको मतलब गाली देने लगा ऐसी गंदी गंदी गाली को तो हम लोग तो दे नहीं सकते फिर भी मैं इसको बोला चलो इसने काम नहीं करना है आप मेरे को पैसा बताओ तो इससे मैंने पूछा तो ये कहा 3600 रुपये मैंने देने हैं वो कह रहा है कि मैंने इससे 6800 रुपये लेने हैं तो मैं बोला कि चलो ठीक है कल 18 तारीख है कल दिवाली से एक दिन पहले पेमेंट होगी मैं जिम्मेवार हूँ इसका मैं आपका पैसे पहुँचा दूँगा तो इसने कहा नहीं इसको मैंने जाने ही नहीं देना है मैंने तो काम करवाना है और ये करा मेरे को 6800 रुपये लेने हैं फिर इसको बहुत गाली वाली देने लगा और धक्के देके करा चल ऊपर चल तेरे से काम करवाऊंगा उसके बाद मतलब मैं बोला जुबेर भाई फिर ये ठीक बात नहीं है तो मैं आया फिर मैं यहाँ गिल साहब को अपने सर को मैंने कहा कि ऐसे ऐसे बंदे को बंद कर लिया है जब इन्होंने मतलब कार्रवाई किया तकरीबन 10 बजे मैं एक शिकायत लैटर मैं थाना बस्ती जोधेवाल नू मैं भेजा मेरा मेरे असिस्टेंट है ने राजू ओकर तो ये उत्थे लैके गए नाल ही लैके गए उत्थे मुंशी जी ने उन्हों एक सुरेंद्र सिंह हौलदार है उन्होंने देखती ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਉੱਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਵੇਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਵੇਦ ਜੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਏ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚਲੀਏ ਖੈਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਲੀਡਰ ਮੇਰੇ ਵਾਕਫ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੀ ਬਣੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ACP ਵਾਕਫ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਚਲ ਚਲੀਏ ਖੈਰ ਐਨੀ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਾਕਫ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਮਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਮੈਂ ਬਿਜੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਮਕਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਧਮਕਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ SHO ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਜੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਟੋਰਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ
अपने तरीके दे नाल इनू कंसल्ट कीता और इनू मैं क्या मैं क्या तू मैं फलान आना इत्थे ते तू किसे तरीके दे नाल इत्थों निकल ते उत्थों निकलिया ते ये फिर इत्थे मेरे हुण ऑफिस आया हुण उत्थे जो कुछ इहदे नाल वापरिया वो ये अपने दसूगा अपने जबानी दसूगा उनको बोले कि पैसे आपका है पैसे दे देंगे मैं आपके पास काम नहीं करूंगा मेरा आपके पास दिहाड़ी नहीं बनता है मेरा अपना प्रो नहीं हो रहा 200-300 में बीवी बच्चे को लेके क्या खाऊंगा क्या कमाऊंगा मैं उधर 800-900 कमाता हूं इधर 200-300 दिहाड़ी पड़ता नहीं करूं उन्होंने गाली देना सीधा स्टार्ट कर दिया अरे मादर चोद भोसरी ऐसे ऐसे बहुत गंदे गंदे गाली देने लगा चल ऊपर जल्दी काम कर मेरा पूरा कर उसके बाद तुझे यहाँ से हिलना है तेरा रोटी सोटी सब यहीं मंगवा कर दूंगा तेरी जनानी से यहाँ से रोटी मंगवाऊंगा मेरे को धमकी उमकी देने लगा फिर ऊपर ले जाके बंद कर दिया हमको मारने के लिए दौड़ा मतलब एक लाफा भी लगा दिया ऊपर हम डर के मारे चले गए काम करने के लिए ऊपर काम कर रहे थे फिर मैं सर जी फोन किए कि कैसा है तू अभी किस हाल में है धमके बहुत बुरी हाल में हूँ यहाँ डरा रहा है मार रहा है ये धमका रहा है इन्होंने बोले कि किसी तरह तू वहाँ से निकल के आ जा तू मेरे पास फिर मैं नीचे उतरा वहाँ से धीरे धीरे देखा कि कोई है या नहीं है मैं तम्बाकू के बहाने से बाहर निकला उसका बंदा पूछा बोलता है चल मैं 7 तम्बाकू ले देता हूँ बोला अरे भाई भाग थोड़ी रहा हूँ घर वाली मेरी यहीं पर है बगल में रूम है मैं थोड़ी भाग जाऊँगा मैं आता हूँ तम्बाकू लेके फिर वहाँ से मैं भागते हुए आया नंगे पैरे दौड़ते दौड़ते आया फिर घर पर जाके जूता पहन के तब उधर से भाग के आया इनके पास अपने सर जी के पास तो यहाँ पर फिर मैं आके अभी मैं बैठा हूँ फिर मैं इनको फरियाद अपना सुना रहा हूँ कि ऐसा ऐसा मेरा हालात है सो मैं रोज ही गल है कि निकली मसला देखो मैं प्रशासन को इस अपने तो मेरे को प्लेटफार्म भी है वो तो प्लेटफार्म कोई है नहीं है तो मैं मेरे कमिश्नर साहब और डीसी साहब ने भी मेरे व्हाट्सएप जानते हैं सारे और मैं मैंने खुशी की गल है कि वो मेरी गल में सुनते हैं गौर के नाल देखते हैं सैकंडली कल होर भी गल् जड़िया ने मेरे को आई जी पी रैंक दे एस एच ओ लैवल ज सारे बंद ने जी गल की मैं उन्होंने शुक्रिया अदा करता कि उन्होंने मेरी गल जी मैं पिछले गल् की बहुत सलाया खास करके जी पुलिस डिपार्टमेंट के बहुत ही वधिया एक हौसला मिलया कि उन्होंने बहुत ही वधिया कमेंट्स आए ने और सीनियर IPS ऑफिसर्स वगैरह दे ते IAS ऑफिसर्स वगैरह दे तो मैं शुक्रगुजार हाँ तो मैं जे छोटे लैवल दे अपने जेडे जूनियर ऑफिसर्स ने जां NGO ने इन्हां नूं मैं ये कहूँगा कि तुसी इस चंगे काम वास्ते तो सहयोग दिओ माड़े काम वास्ते ना दिओ लेकिन चंगे काम वास्ते जरूर करो जिस दे नाल अपना मतलब जे कोई कोई मतलब झिझक नहीं है जे आप चंगे काम वास्ते आप इनिशिएटिव लै लें चाहे चंगे काम वास्ते काम करते हैं तो उहदे च कोई शर्म वाली जां गल नहीं है सो मैं हैरान हाँ ये अज दे बिहेव दे उत्ते खास करके जो कुछ मेरे नाल होया ये पुलिस थाना अपने बस्ती जो है और चलो खैर कोशिश करांगा परमात्मा अगे अरदास करांगा कि सारे बंदे जड़े ने ये बुराई दे विच हुण होर भी मैं कहना चाहुंदा कि होर भी बंदे जड़े कोई सुनदे आ उहनां नूं मैं एक चेतावनी भी दे दिंदा ते एक बेनती भी करदा कि जिहड़ा बंदवा काम है बंदे दे इच्छा दे खिलाफ जिहड़ा काम को करवा रहा उह बंद कर नहीं है ते मैं जो मेरी कोशिश है मैं उहनूं जारी रखूंगा ये चाहे मैनूं किसी भी मुश्किलों चो क्यों ना लंघना पवे तो जिन्ना चिर मैं जिन्ना चिर जिंदा उन्ना चिर तो रखूँ जो तो नहीं रहांगा या फिर मैं क्या कर सकता थैंक यू